नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस भी है। जी हां, नोटिस दिया गया है। नोटिस में क्या है वो भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले में अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और सुनवाई में मालूम होगा क्या होता है। सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को ही सुनवाई होनी है, जिसमें मालूम होगा आगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि ये जो मसला है ये काफी सुर्खियों में रहा है, हमने देखा भी है, इस पर कई बार बात हो चुकी है नीट परीक्षा को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो छात्र हैं उन्होंने काफी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी किया था। आप जानते हैं दोबारा परीक्षा करवाने की मांग है, लेकिन सभी की तो नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जरूर एग्जाम देंगे, उनके पास विकल्प है, नहीं तो ग्रेस मार्क सटेंगे उनके और पुराना रिजल्ट जारी होगा जो एग्जाम नहीं देगा। यह बात निकलकर सामने आई थी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया आज की सुनवाई को लेकर। मैं अमरनाथ सैनी एडवोकेट, मेरे साथ जोली विकास है और पेटिशनर इस केस में जो बच्चा है वो भी आर्यन त्यागी हमारे साथ है। हमारी सबमिशन ये थी कि जब FIR हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक FIR है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर FIR लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन VCS था। NTA ने ये बात ग्रेस मार्क्स में तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं, तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो NTA ने किया है सिर्फ NTA की सबमिशन्स हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शन तो नहीं है, लेकिन मेरी सबमिशन रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन। वो क्या हुआ जब 5 बच्चों के 720 एक ही क्लासरूम में सीरीज वाइज आ रहे हैं, वो मुद्दा कहाँ गया? वो कहा गया कि पिछले साल आप 8, अगर किसी के 643 मार्क्स हैं, जो कि पेटिशनर के 643 मार्क्स हैं, उनकी रैंक लास्ट टाइम के हिसाब से देखें तो 8900 थी और इस टाइम 36000 है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस आ सकता है? क्या एक साल में इतने टॉपर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर? नॉट एट ऑल। आपने रेमेडी क्या मांगी थी मैम? हमारी रेमेडी है कि आपका इंटायर रिजल्ट जो है वो सेट असाइड हो, या फिर ये मैटर जो है वो SIT को हैंडल किया जाए फॉर द इन्वेस्टिगेशन। ये हमारी 2 मेजर प्रेयर्स हैं इसमें। और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा? देखिए कोर्ट में अभी यही है कि लेट द रिस्पॉन्स कम, बिकॉज NTA का भी रिस्पॉन्स आना बाकी है इसमें, राइट? दे हैव टू फाइल द काउंटर, उसके बाद ही इसमें फाइनल डिसीजन होगा।